नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। रायसेन जिले के गोहरगंज में विगत माह पहले ग्राम विनायक में हुई चोरी का खुलासा गोहरगंज पुलिस के तेजतर्रार नवनियुक्त प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार चौधरी और उनकी टीम ने कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले 8 अप्रैल को ग्राम विनायक थाना गोहरगंज अंतर्गत दीनदयाल पवैया के मकान में चोरी हो गई थी। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना गहरतगंज में लिखाई गई थी। वहीं तत्पश्चात रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत लाल मीणा और मलकित सिंह SDOP अब्दुल्लागंज के द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद गोहरतगंज पुलिस ने 11 मई को NH-12 हाईवे बंदर वाली पुलिया के पास मुख्य मार्ग पर सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एक लड़के राहुल नायक, पिता राम सिंह नायक, उम्र करीब 20 साल, निवासी ग्राम जेत थाना सुल्तानपुर को धर दबोचा। कड़ी पूछताछ करने के बाद आरोपी ने नकदी 5,500 रुपये और सोने चांदी के जेवर चोरी करना कबूल कर लिया। वहीं आरोपी के द्वारा सोने के जेवरातों को मणपुरम गोल्ड लोन और IIF गोल्ड लोन बैंक में जमा करने और बाकी का जेवर अपने घर के आंगन में गड़ा खोदकर पोटली में छुपा कर रखना कबूल कर लिया है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने गौरगंज थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार चौधरी और उनकी टीम में शामिल उप निरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक राम मनोहर बहरे, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह और आरक्षक अमित शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उचित इनाम की घोषणा की है। रायसेन से संजय चौहान की रिपोर्ट। ग्राम विनायका में पिछले 8 अप्रैल को जो पवैया जी के घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे, इसमें अपने थाना गोहरगंज में FIR की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को जल्दी ट्रेस करना है, जिसके लिए टीम गठित की गई और जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी सफलता प्राप्त की। हमारे गोहरगंज टीम में उप निरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक महेंद्र, प्रधान आरक्षक राम मनोहर बोहरे और आरक्षक अमित शर्मा द्वारा काफ़ी तलाश पतारसी करने के बाद आरोपी राहुल नायक, जो कि निवासी ग्राम जेतका है, इसके कब्जे से जे 4 लाख रुपए कीमती के जेवर बरामद किए गए हैं। कुछ जेवर इसके द्वारा गोल्ड लोन अब्दुल्लागंज में रख गए थे तथा कुछ उसने अपने घर के आंगन में छिपा कर रखे थे, जो कि बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।